प्रताप खाचरवास इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, आपको लेकर चलते हैं क्योंकि आज दूसरा दिन है इस सत्र का। सरकार ने वादा किया था, चुनाव से पहले कहा था, अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार आ गई। टमाटर में आग लगी हुई है, सब्जियों में आग लगी हुई है, पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है, सिलेंडर आपने 1100 के पार पहुंचा दिया, पैसा जा कहां रहा है? आप इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हो, आप प्रसाद पर GST लगा दी आपने, आटे पर GST लगा दी आपने, रोटी पर GST लगाना चालू कर दिया, पराठे पर GST ले रहे हो, आप पराठा नहीं खाने देते, रोटी नहीं खाने देते, आटा नहीं खाने देते, तो बीजेपी ने तो लूटने का ठेका ले लिया जनता को। और भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को मुद्दा बनाना चाहती है, बीजेपी ये तो बताए, इनके नेशनल लीडर आ रहे हैं, उनको ये तो बताना चाहिए कि उन्होंने देश में केंद्र सरकार ने 9 वर्षों में क्या किया, महंगाई को रोकने के लिए, बेरोजगारी को रोकने के लिए, गरीबी को रोकने के लिए। हम तो हमारी योजनाएं बताते हैं जनता को, हमारी योजनाओं के दम पर चुनाव मैदान में है, लेकिन ये भी तो बताया इन्होंने क्या किया, इन्होंने 9 वर्षों में कुछ किया ही नहीं। क्या बीजेपी की कोई उपलब्धि नहीं है? बीजेपी उपलब्धि पर बोलती नहीं है, बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, गलत गलत बोलते हैं, डायरेक्ट कांग्रेस पर चार्ज लगाते हैं, और फिर यदि कोई कांग्रेस का नेता बोल दे तो उसको लेकर कोर्ट में चले जाते हैं। मुख्यमंत्री बोले, राहुल गांधी बोले, कोई लीडर बोले, तो आपने जो काम शुरू किया है अब वो काम दूसरे भी शुरू करेंगे, कर क्या सकते हैं? आप में दम है तो आप सच बोलना शुरू करो, और आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो उसी तरह की भाषा सुनने की ताकत भी रखो आप। अरे पूरे देश में चर्चा चल रही है, इन्होंने जो नारा दिया नहीं सहेगा राजस्थान, वो तो हमारे लिए बहुत फायदा कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में राजस्थान में चर्चा है, बीजेपी को नहीं सहेगा राजस्थान, नारा ये है, बीजेपी को नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्योंकि बीजेपी ने धोखा किया देश के साथ, राजस्थान के साथ, नौजवान के साथ, किसान के साथ, कर्मचारी के साथ, व्यापारी के साथ, विद्यार्थी के साथ, माँ बहन बेटी के साथ। जिस बीजेपी ने लोगों की रोटी छीन ली हो, जिन्होंने पराठे पर टैक्स लगा दिया, आटे पर टैक्स लगा दिया, जो महंगाई, गरीबी और भ्रष्टाचार के लिए जो बीजेपी जिम्मेदार है, उस बीजेपी को नहीं सहेगा राजस्थान, आप देख लेना। टमाटर सस्ते बिक रहे हैं, टमाटर 80 रुपए किलो में आज से शुरुआत हो रही है प्रताप जी। कानून व्यवस्था की स्थिति की बात जो बीजेपी वाले करते हैं, घटना होती है, घटना के बाद तुरंत एक्शन कांग्रेस की सरकार लेती है, अपराधियों को ठोक कर बंद करना, जेल की सलाखों में पीछे डालना, उनको सजा करवाना, ये सरकार की जिम्मेदारी, उस पर हम सख्ती से काम कर रहे हैं। टमाटर सस्ते, देखिए सांबर और फुलेरा को यदि जिला बनाया जाए तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जिला जयपुर ग्रामीण को बनाने की बात चल रही है, तो जब जयपुर ग्रामीण बन जाएगा तो मुझे लगता है सांबर फुलेरा वाले सहमत हैं। यदि इनको फिर भी कोई बात करनी है तो इनको आपस में बैठकर बात कर लेनी चाहिए। हम तो जिलों के मामले में, हमारी कांग्रेस पार्टी का, मुख्यमंत्री का डिसीजन है कि जनता की आवाज़ को सुनकर फैसला करेंगे, तो जनता की आवाज़ का हम सम्मान करेंगे, फैसला मुख्यमंत्री जी को करना है। 80 रुपए किलो में टमाटर जयपुर में बेच रही है, 80 रुपए किलो में जो टमाटर केंद्र सरकार बेचने की बात कर रही है, तो वो तो राज्य सरकार भी बेचने की बात कर रही है, तो हम तो बेचेंगे, लेकिन महंगाई के लिए जिम्मेदार तो केंद्र सरकार है। प्रताप खाचरवास